बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिफा फ्री स्टडी। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम मेरे बहन भाई, दोस्त अहबाब, देखने वाले सब लोग बफजल खुदा खैरियत से होंगे। बहुत ही माजरत के साथ कि आज मैं आपके साथ काफ़ी दिनों के बाद जुड़ा हूँ, जिसकी बड़ी वजह मेरी ज़िंदगी के इन सवा चार माह में मैंने अपने वालदैन को खो दिया है। मेरे वालदैन अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। मेरे वालिद जो हैं वो 23 जून 2020 को और वालिदा 1 नवंबर 2020 को खालके हकीकी सी जा मिले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़े दुख की बात है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि यहाँ पर इस वीडियो को रोककर सबसे पहले दुरूद पाक, फिर एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर और उसके बाद दुरूद पाक पढ़कर अपने वालदैन, मेरे वालदैन और जितने भी मुसलमान वफात पा चुके हैं उनकी रूह के एहसाले सवाब के लिए उनको बख्श दें। आज हम पाकिस्तान के ऐसे फलाही प्रोग्राम के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी मिसाल यूरोपियन मुल्कों में भी कम मिलती है। हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी आवाम की फलाह व बहबूद के लिए एक तारीखी कदम उठाया है और चंद यूरोपियन मुल्कों के बाद, यानी जापान, कैनेडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों के बाद, पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा वो पहला सूबा बन गया है जहां सेहत की सहूलत मुफ्त होगी। किसी के मज़हब, ज़ात और सियासी वाबस्तगी की परवाह किए बगैर हर खैबर पख्तूनख्वा के शहरी को 10 लाख रुपए तक हेल्थ इंश्योरेंस फराहम की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में भी ये प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर गरीब और मुस्तहिक ख़ानदानों को सेहत इंसाफ कार्ड फराहम किए जा रहे हैं। सरकारी मुलाज़मीन, मदारस के तलबा और उसातज़ा, सहाफ़ियों और दीगर तबकात को भी, हत्ता के पंजाब के हर फर्द को सेहत इंसाफ कार्ड दिए जाएंगे। इस कार्ड को हासिल करने के लिए किसी किस्म की भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। इस कार्ड का नाम सेहत कार्ड प्लस है, जो कि आपका एक कौमी शनाख्ती कार्ड होगा। ये प्रोग्राम पाकिस्तान की 73 साल तारीख का सबसे अहम तरीन हेल्थ का मंसूबा है, जिसमें अमीर और गरीब की तफरीक नहीं, सबको हेल्थ इंश्योरेंस की मद में 10 लाख रुपए फ़ी ख़ानदान दस्तियाब होंगे। ये प्रोग्राम मरहलावार सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जनवरी 2021 तक मुकम्मल हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम ख़ानदानों को हेल्थ इंश्योरेंस फराहम करने का मंसूबा पहले फेज़ में सवात, चित्राल, दीर और मालाकंड के तमाम ख़ानदानों को 31 अक्टूबर से ये सहूलत फराहम कर रहा है। इन अजला के लोग मुल्क के किसी भी रजिस्टर्ड सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। जी, तो मैं आपको बताता चलूं कि अस्पताल में दाखिले के दौरान कौन से ऐसे अखराजात शामिल हैं। तो उसमें अस्पताल के जनरल वार्ड में दाखिला के लिए ऑपरेशन थिएटर्स, बेहोशी के डॉक्टर की फ़ीस, ज़ेरे इलाज तजवीज़ करदा दवायात, डॉक्टर और सर्जन के अखराजात, ICU, तशखीसी टेस्ट और CCU। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस प्रोग्राम में OPD के इलाज शामिल नहीं है। मज़ीद मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सेहत सहूलत प्रोग्राम के लिए मसनूई बाजू या टांगें लगवाई जा सकती हैं, अमराज़े कलब और शरियान का इलाज, गुर्दे की प्योंदकारी, इतफाकिया और हादसाती इलाज, आम नोयत के सरतान, सानवी सतह की बीमारियाँ, न्यूरो सर्जरी, छाती के सरतान की स्क्रीनिंग, गुर्दे और मसाने की बीमारियाँ, बाशमूल डायलिसिस। तरजीह इलाज जो सेहत सहूलत प्रोग्राम में शामिल हैं उसमें अमराज़े कलब और शरियान, इतफाकिया और हादसाती इलाज, सानवी सतह की बीमारी की पेचीदगियाँ जिनमें अस्पताल में दाखिला ज़रूरी हो जाए, गुर्दे की प्योंदकारी, आम तमाम नोयत के सरतान, मसनूई बाजू या टांगे, गुर्दे और मसाने की बीमारियाँ, छाती के सरतान की स्क्रीनिंग और न्यूरो सर्जरी शामिल हैं। मज़ीद ये कि इस सेहत प्रोग्राम के तहत हर फर्द को सानवी इलाज के लिए हद 2 लाख रुपए और पूरे ख़ानदान की मजबूई तरजीह इलाज के लिए हद सालाना 10 लाख रुपए होगा। सानवी इलाज से मुराद वो इलाज है जिसके लिए हस्पताल में दाखिला ज़रूरी है, जैसा कि अपेंडिक्स, गले, जिचगी और दीगर ऐसे अमराज जिसकी हद 2 लाख रुपए में हो। तरजीह इलाज में दर्ज ज़ैल बीमारियां शामिल हैं अमराज़े कल्ब, सरतान, ज़ियाबतीस की पेचीदगियां जिसके लिए अस्पताल में दाखिला ज़रूरी हो, हादसाती चोटें जिनमें हड्डियां टूटना, जलने का इलाज, सड़क हादसा और ज़िंदगी बचाने वाले इलाज।
यरकान जिसके लिए अस्पताल में दाखिला ज़रूरी है, 6 दिल है, जिगर और गुर्दे के नकारा होने की सूरत में इलाज, 7 नंबर पे है गुर्दे की पियोंदकारी, इसमें दीगर अज़ा की पियोंदकारी शामिल नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जोन वाइज उनको तकसीम किया गया है ताकि जनवरी 2021 तक तमाम सूबा मुकम्मल हो जाए। तो जोन 1 में जो है वो अक्टूबर 2020 को स्टार्ट हुआ, उसकी जो पापुलेशन है वो 58,59,565, उसमें जो फैमिलीज़ मुस्तफ़ीद होंगी 11,96,367 फैमिलीज़ इसमें मुस्तफ़ीद होंगी। कौन कौन से अज़ला को शुरू किया जा रहा है अक्टूबर 2020 में, उसमें चित्राल, अपर दीर है, लोअर दीर है, मालाकंड है और सवात है। तो जोन उसके बाद 2 आ जाता है, वो नवंबर 2020 में स्टार्ट होना है, उसमें जो आबादी है पापुलेशन है वो 50,79,900 पापुलेशन है, उसमें जो मुस्तफ़ीद फैमिलीज़ हैं वो 11,86,738 फैमिलीज़ को हेल्थ कार्ड इशू किए जाएंगे नवंबर 2020 में। उसमें जो अज़ला हैं वो शांगला है, कोहिस्तान है, बाटाग्राम है, मानसेरा है और तारघर है और उसके बाद एक्टाबाद है। उसके बाद जोन हमारे पास 3 आ जाता है, तो जोन 3 दिसंबर 2020 में स्टार्ट किया जाएगा, उसमें जो जोन पापुलेशन है वो 58,98,027 पापुलेशन होगी, उसमें जो फैमिलीज़ मुस्तफ़ीद होंगी वो 12,70,760 फैमिलीज़ हैं, और उनमें जो अज़ला हैं दिसंबर 2020 में हेल्थ कार्ड जिनको इशू किया जाएगा वो हरिपुर है, बोनीर है, उसके बाद सवाबी है, मर्दान है। तो ये वो अज़ला हैं जो दिसंबर 2020 में स्टार्ट किए जाएंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जोन आ जाता है जोन 4, तो जोन 4 भी दिसंबर 2020 में स्टार्ट किया जाएगा, इसमें जो टोटल पापुलेशन है वो 74,03,817 उसकी आबादी है, उसकी जो फैमिलीज़ हैं वो मुस्तफ़ीद होंगी वो 12,24,227 फैमिलीज़ मुस्तफ़ीद होंगी, और इसमें जो अज़ला हैं वो नौशहरा है, उसके बाद 4 सद्दा है और पिशावर के अज़ला दिसंबर 2020 में क्लियर किए जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जोन आ जाता है 5, तो ये जनवरी 2021 में इस पे जो है तमाम फैमिलीज़ इससे मुस्तफ़ीद होंगी, इसमें जो पापुलेशन है वो 33,86,863 फैमिलीज़ इसकी जो हैं वो 6,94,218 फैमिलीज़ इससे मुस्तफ़ीद होंगी। इसमें कौन कौन से अज़ला शामिल होंगे, उसमें कुहाट है, हंगू है, करक है और बन्नू के जो अज़ला हैं वो शामिल होंगे। उसके बाद हमारे पास जोन आ जाता है जोन 5, तो जोन 5 भी जनवरी 2021 में स्टार्ट होगा, उसमें 28,95,199 जो हैं पापुलेशन है, 4,86,713 फैमिलीज़ हैं, उसमें लखई मरवत है, डीआई खान है और टंग का अज़ला है। ये तो नीचे अगर आप टोटल देखेंगे कि कितनी आबादी जो खैबर पख्तूनख्वा की है वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और कितनी फैमिलीज़ जो हैं उनको ये हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं, तो ये 3,52,03,371 पापुलेशन जो है वो मुस्तफ़ीद होगी, और उसके जो ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे वो 6,59,023 अफराद इससे मुस्तफ़ीद हो गए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये 10 लाख रुपये की जो अमाउंट है उसको किस तरह से तकसीम किया गया है। उसको सबसे पहले 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है कि बेसिक ट्रीटमेंट है उसके लिए आपके पास 2 लाख रुपए होंगे, उसके बाद एडवांस ट्रीटमेंट है उसके लिए आपके पास 4 लाख रुपए होंगे और एडिशनल कवरेज के लिए आपके पास 4 लाख रुपए होंगे। तो इस तरह से देखें तो ये 10 लाख रुपए की टोटल अमाउंट बनती है। अब हम बात कर लेते हैं कि बेसिक ट्रीटमेंट जो 2 लाख रुपए का है उसमें कौन कौन सी जो ट्रीटमेंट हैं वो शामिल होते हैं। तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट उसमें शामिल होगा रिक्वायरिंग एडमिशन, उसमें आपका एडमिशन होना हॉस्पिटल में ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे है कि मैटरनिटी सर्विसेज, नॉर्मल या डिलीवरी सी सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी और मैटरनिटी की जो सर्विसेज हैं वो उसमें आपको दस्तियाब होंगी। उसके बाद फ्रैक्चर्स हैं या इंजरीज है, अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है एक्सीडेंट की सूरत में, तो उसके लिए हैं। और उसके बाद जनरल सर्जरी है, उसमें गाल ब्लैडर है, बायोप्सी है, कॉलन है और प्रोस्टेट है और एर्निया है। तो और जनरल मेडिसिन के लिए डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और कार्डियक है। उसके बाद हमारे पास एडवांस ट्रीटमेंट है, उसके लिए 4 लाख रुपए रखे गए हैं। जी तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एडवांस ट्रीटमेंट
कि उसके लिए आपके पास 4 लाख रुपए होंगे। उसमें कौन कौन सी जो बीमारियां हैं जिससे आप इलाज करवा सकते हैं, कार्डियोवैकुलर है, उसमें एंजियोप्लास्टी है, बाईपास है, और सेकंड नंबर पे डायबिटीज़ हैं, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल लम्ब्स हैं, उसके बाद फिर किडनी की जो डिसीज़ हैं वो हैं, उसमें डायलिसिस भी शामिल है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर है, उसकी स्क्रीनिंग है, या मैनेजमेंट ऑफ न्यूरोसर्जिकल जो हैं डिजीज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि एडिशनल कवरेज के लिए हमारे पास जो 4 लाख रुपया होगा वो किसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कैंसर का ट्रीटमेंट है, उसमें केमो है, आपकी रेडियो है और सर्जरी है। उसके बाद हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भी है, एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी के लिए और ICU के लिए भी आप ये 4 लाख रुपये की अमाउंट जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें नीचे लिखा हुआ है कि RS 1000 मैटरनिटी अलाउंस जो है वो भी शामिल है उसमें, और 2000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन कंपनसेशन भी शामिल है पर फैमिली पर ईयर। ये पर फैमिली के लिए हैं और 1 साल की इसकी मियाद है कि 1 साल में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हर साल आपको ये 10 लाख रुपये मिला करेंगे। कि इस सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत किन हस्पतालों में इलाज की सहूलत हासिल की जा सकती है, तो दोस्तों सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत हस्पताल का बकायदा इंतखाब किया जाता है और सिर्फ उन्हीं हस्पतालों में सेहत की सहूलत हासिल की जा सकती है। इलाज के लिए फहरिस्त में मौजूद करीबी हस्पताल का इंतखाब करें या मज़ीद तफसील के लिए टोल फ्री नंबर 0800-898-98 पर भी रब्ता किया जा सकता है। तो इसमें काफ़ी सारे बड़े हस्पताल शामिल हैं जहाँ पे आपका जो इलाज है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकेगा और फ्री हो सकेगा। इसमें आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। 10 लाख रुपए की अमाउंट आपके शिनाख्ती कार्ड के, जैसे ही आप रजिस्टर्ड होंगे आपके शिनाख्ती कार्ड के ऊपर आपकी 10 लाख रुपए की अमाउंट को रख दिया जाएगा, ताकि आपके ख़ानदान को जब भी आपके इलाज की ज़रूरत पड़े ताकि उसको आप मुफ्त में अपना इलाज करवा सकें। इसमें बड़े बड़े अस्पताल भी शामिल हैं जिसका हम सोच भी नहीं सकते कि वो हॉस्पिटल जहाँ पर हमारे पास पैसे नहीं होते थे, ऐसे गरीब अफराद जिनके पास पैसे नहीं हैं कि वो सरकारी हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे अपनी जो मेडिसिन है वो परचेज़ कर सकें। तो हुकूमत की जानब से ये बहुत ही एक बड़ा इनकलाबी कदम है, मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ और तय दिल से मशकूर भी हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की जानब से इस किस्म का जो बड़ा प्रोजेक्ट है जो यूरोपियन मुल्कों में भी बहुत कम देखा जाता है वो पाकिस्तान में भी स्टार्ट किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि उनके भी इल्म में इजाफा हो सके तरह से उन्होंने अपना जो हेल्थ कार्ड है वो इस्तेमाल करना है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें। और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।